आजाद भारत का पहला चुनाव, पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लहर थी। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गजब का जनाधार था। इस चुनाव में नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहे और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से अंबेडकर चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन एक दूध वाले के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर की यह हार नेहरू की वजह से हुई? आखिर नेहरू ने अपने कैबिनेट के साथ ही रहे अंबेडकर को चुनाव क्यों हरवा दिया? नमस्कार, सियासी किस्से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। आजादी के बाद 1951-52 में देश के पहले चुनाव हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, जबकि नेहरू के कई पुराने साथी चुनाव में कांग्रेस के दुश्मन बन चुके थे। इन इनामों में उस जमाने के दिग्गज वकील और नेहरू की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे अंबेडकर भी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन देश के पहले चुनाव से पहले नेहरू से मतभेद की वजह से अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अनुसूचित जाति महासंघ को मजबूत करने का फैसला लिया। चुनाव प्रचार के दौरान निचली जातियों के विकास पर कम ध्यान देने के लिए वे सरकार की तीखी आलोचना करने लगे। नेहरू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस समय अंबेडकर ने यह कहा था, इन लोगों के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं, वही पुराना अत्याचार, वही पुराना दमन और वही पुराना भेदभाव चला आ रहा है। आजादी हासिल हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक धर्मशाला या आराम गृह बन गई, जिसके पास कोई उद्देश्य या सिद्धांत नहीं बचा है और जो सभी तरह के लोगों के लिए खुली है। इस पार्टी में बेवकूफों और धूर्तों, दोस्तों और दुश्मनों, सांप्रदायिक वादियों और सेकुलरों, सुधारवादियों और पुरातनपंथियों, पूंजीवादियों और गैर पूंजीवादियों, सबका स्वागत हो रहा है। तमाम सियासी पंडित दावा करते हैं कि नेहरू और अंबेडकर में कभी नहीं बने, कई मुद्दों पर दोनों के बीच जमकर मतभेद थे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अंबेडकर, नेहरू और कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन प्रचार के दौरान नेहरू ने कभी भी खुलकर अंबेडकर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। हालांकि नेहरू ने अंबेडकर को हराने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था। खैर, अंबेडकर ने 1942 में बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सक्रिय किया और चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार उतारे। अंबेडकर खुद उत्तरी मुंबई सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। उत्तरी मुंबई सीट से नेहरू ने अंबेडकर के सहयोगी सदोबा नारायण काजरोलकर को कांग्रेस का टिकट दे दिया। काजरोलकर दूध बेचा करते थे, राजनीति में वे नौसिखिय थे, लेकिन उनके साथ नेहरू जैसे कद्दावर नेता थे जो देश की राजनीति के साथ दुनिया की राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते थे और उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता थे। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ गए थे, इसीलिए उनके पास विरोध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। काजरोलकर को टिकट देने के बाद नेहरू ने अंबेडकर को हराने की कमान खुद संभाली। उन्होंने मुंबई का दो बार दौरा किया। नेहरू की मुंबई रैली ने इतिहास रच दिया। नेहरू की रैली ने कांग्रेस की जीत पक्की कर दी और अंबेडकर की हार। चुनावी नतीजे आए तो जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। अंबेडकर की पार्टी के 35 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाए। वहीं खुद अंबेडकर अपनी सीट करीब 15,000 वोटों के अंतर से हार गए। एक दूध बेचने वाले ने भारत के संविधान निर्माता को हरा दिया। इस नतीजे ने यह भी साबित कर दिया कि भारत ने जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की है वह सही साबित हो गई, क्योंकि एक आम इंसान ने उस समय के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक को चुनावी मैदान में हरा दिया। चुनाव में काजरोलकर को कुल 1,37,950 वोट मिले तो अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले। नेहरू की लहर में भले ही अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के 28 मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। अंबेडकर की हार पर मशहूर मराठी पत्रकार पीके अत्रो ने एक नारा गढ़ा था और उन्होंने मराठी में कहा था, कुते तो घटनाकर अंबेडकर यानी कुते हा लोन विक या काजरोलकर, जिसका मतलब था कहां संविधान के महान निर्माता अंबेडकर
और कहा नौसिखिया मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। दरअसल काजरोलकर की जीत में बड़ी भूमिका नेहरू के बंबई भाषण को माना जाता है। कांग्रेस की प्रचंड जीत पर कुछ सियासी पंडितों ने कहा था कि अगर चुनाव में कांग्रेस ने किसी भी लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दिया होता तो वो भी चुनाव जीत जाता। इस हार से अंबेडकर को गहरा दुख हुआ क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि थी और वहीं से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले चुनाव में भीमराव अंबेडकर को हराने के बाद कांग्रेस ने 1954 उपचुनाव में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उपचुनाव में अंबेडकर भंडारा सीट से खड़े हुए लेकिन कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर से वहां से हरा दिया। अंबेडकर अपने सियासी करियर में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए, या यूं कहें कि कांग्रेस ने उन्हें कभी चुनाव जीतने नहीं दिया। तमाम सियासी पंडित दावा करते हैं कि नेहरू कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने कभी अपनी नापसंदगी को छिपाने का कभी प्रयास भी नहीं किया। सियासी किस्से में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और सियासी किस्से के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।